वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेवेंथ एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर इज अबाउट आई हैव और आई हैव गॉट। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे, इस वीडियो में अपने थर्ड चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है आई हैव या आई हैव गॉट। तो वी यूज हैव इन द सेंस ऑफ ओन और सफर फ्रॉम। तो यानी हैव कब लगाते हैं अपने, कि अपने ये दिमाग में लगा के कि अपना कुछ है या अपने इस चीज से गुजर रहे हैं, तो अपने तब हैव लगाते हैं, राइट। वी हैव टू कार्स, यानी कि अपने पास दो कार है तो ओन है ना, तो इसलिए हैव लगाया। शी हैज ब्लू आईज, ही हैज अ वीक हार्ट। सफर कर रहे हैं है ना, तो हैज आ गया। और आई हैव अ बैड हेडेक, तो अपने क्या किया, हैव लगाया। हैव है वो प्लूरल रूप है और हैज है वो सिंगुलर फॉर्म, राइट। इन स्पोकन इंग्लिश द फॉर्म हैव गॉट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर हैव की जगह अपने क्या लगाते हैं, हैव गॉट लगाते हैं, ओके। तो पहला देखो, शी हैज गॉट ब्लू आईज, शीज गॉट ब्लू आईज। वी हैव गॉट टू कार्स, वी हैव गॉट टू कार्स। ही हैज गॉट अ वीक हार्ट, ही इज गॉट अ वीक हार्ट। आई हैव गॉट अ बैड हेडेक, आई हैव गॉट अ बैड हेडेक। तो इस तरह अपने लगाते हैं, ओके। ये क्या है, हैज का एपोस्ट्रॉफी एस कर दिया, हैव का एपोस्ट्रॉफी वी कर दिया, तो इस तरह अपने ज्यादातर लगाते हैं। बट वी कांट यूज गॉट विथ हैव इन शॉर्ट आंसर्स, पर जब अपने शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं, कोई भी आंसर्स चुक रूप में लिखते हैं, तो अपने हैव के साथ गॉट नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पाएंगे। कैसे, हैज योर ब्रदर गॉट अ कैमरा, यस ही हैज। तो देखो अपने क्या लिखा है, यस ही हैज, यस ही हैज गॉट, ऐसे नहीं लिख सकते। हैव यू गॉट एन आइस बॉक्स, यस वी है, यस वी हैव गॉट, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राइट। नोट द फॉलोइंग हैव गॉट फॉर्म्स, तो क्या कह रहे हैं कि नीचे वो है, वो सारे क्या है, हैव गॉट के फॉर्म्स है अलग अलग। इस साइड ये एफर्मेटिव है और ये नेगेटिव वाले है। एफर्मेटिव में ये फुल फॉर्म और ये शॉर्ट फॉर्म। आई हैव गॉट का कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यू हैव गॉट का यू एपोस्ट्रॉफी वी ई गॉट। तो टुक में हैव जहाँ पे हो वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे, एपोस्ट्रॉफी वी ई। ही हैज गॉट, शी हैज गॉट, इट हैज गॉट। तो देखो हैज का क्या किया, एपोस्ट्रॉफी एस, हिज गॉट, शीज गॉट, इट्स गॉट, राइट। वी हैव गॉट तो ऐसे, यू हैव गॉट ऐसे, दे हैव गॉट तो ऐसे। अब नेगेटिव, नेगेटिव में आई हैव नॉट गॉट, तो अपने हैव नॉट का क्या करेंगे, नॉट में ओ निकाल देंगे और वहां पे एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, आई हैवंट गॉट ऐसे। यू हैव नॉट गॉट, यू हैवंट गॉट। ही हैज नॉट गॉट तो क्या करेंगे, ही हैजंट गॉट, सिर्फ ओ की जगह एपोस्ट्रॉफी लगाना है, ओके। शी हैज नॉट गॉट, शी हैजंट गॉट। इट हैज नॉट गॉट, इट हैजंट गॉट। वी हैव नॉट गॉट, वी हैवंट गॉट। यू हैव नॉट गॉट, यू हैवंट गॉट। दे हैव नॉट गॉट, दे हैवंट गॉट, ओके। इस तरह आप अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स लिखोगे। अब क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस पूछते हो उसके शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखोगे, हैव आई गॉट तो यस, फिर आई हैव, नो आई हैवंट, ऐसे, ओके। हैव यू गॉट, यस आई हैव, नो आई हैवंट। हैज ही गॉट, यस कैसे, यहाँ पे देखो, यस ही हैज, नो ही हैजंट। शी हैज शी गॉट, यस शी हैज, नो शी हैजंट। हैव वी गॉट, यस वी हैव, नो वी हैवंट। फिर हैव यू गॉट तो कैसे करोगे, हैव यू गॉट का यस यू हैव, नो यू हैवंट।
हैव दे गॉट, यस दे हैव, नो दे हैवंट, इस तरह आप लिखोगे. ओके, हैज योर ब्रदर गॉट अ कार, तो ऐसे लिखोगे यस ही हैज, तो सही है. यस ही हैज गॉट, गलत है. नो ही हैजंट, ये सही है. नो ही हैजंट गॉट, गलत है. तो टुक में जब भी शॉर्ट आंसर्स लिखते हो तो हैव या हैज के साथ अपने गॉट नहीं लिखेंगे. ओके, इस तरह आपको आंसर्स फॉर्म करने हैं. ओके, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो पहली एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द टेबल, एड हैव गॉट और हैज गॉट, देन राइट द शॉर्ट फॉर्म्स आल्सो. तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. और कैसे करोगे, हैव गॉट लिखना है या हैज गॉट लिखना है, और फिर उसके शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखने हैं. तो ये तो आपको आगे के पेज में अपने दिखा था, शॉर्ट फॉर्म सारे देखे थे ना कैसे करने हैं, उसी तरह करने हैं. आई हैव गॉट एपोस्ट्रॉफी वीई, और हैज हो तो एपोस्ट्रॉफी एस. ओके, इस तरह आपको लिखने हैं. अब सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज है री राइट इच सेंटेंस यूजिंग हैव गॉट इन प्लेस ऑफ हैव. तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी हैव है उसकी जगह आपको हैव गॉट लिखना है. ओके, और हैज हो तो हैज गॉट लिखना है, और वापिस सेंटेंस आपको पूरे लिखने हैं. ओके, तो शुरू करें. ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है, हैव यू अ डॉग, हैव यू गॉट अ डॉग. तो देखो हैव के साथ अपने क्या किया, गॉट लगा दिया, राइट. हैज शी एनी चिल्ड्रन, हैज शी गॉट एनी चिल्ड्रन. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ. हैव दे योर एड्रेस, हैव दे गॉट योर एड्रेस. आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, आई हैव गॉट सम मनी इन माई पॉकेट. Haven't you anything better to do? Haven't you got anything better to do? She has some lovely flowers in her garden. She has got some lovely flowers in her garden. तो आपको टुक में क्या करना है कि आपको have या has के साथ got लगाना है और वापिस सेंटेंस लिखना है. और आपको इस तरह मैंने लिखा, इस तरह आपको सेंटेंस रीराइट करना है. अब थर्ड एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द क्वेश्चंस यूजिंग हैव गॉट और हैज गॉट, आल्सो गिव योर ट्रू आंसर फॉर ईच क्वेश्चंस. तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं. कैसे, तो हैव गॉट के साथ या फिर हैज गॉट है उसके साथ आपको पहले क्वेश्चंस लिखने हैं. यहाँ पे तो टुक में ही ऐसे ही लिखा है, आपको उसके साथ क्वेश्चन लिखने हैं और फिर सही आंसर उसके उसका लिखना है. कैसे, तो पहला देखो, यू एनी पोस्टर, ऐसे कोई क्वेश्चंस बनता है नहीं. कैसे लिखोगे, हैव यू गॉट एनी पोस्टर्स, है ना, हैव गॉट आ गया. तो इस तरह आपको करना है. आंसर कैसे लिखोगे, आंसर आप लिखोगे यस आई हैव, यानी कि यस आई हैव गॉट टू पोस्टर्स. इसका मतलब ऐसे है पूरे में, अगर पूरा आंसर लिखे तो. पर शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यस आई हैव, नो आई हैवंट, यानी कि नो आई हैवंट गॉट एनी पोस्टर्स. सेकेंड, यू अ कैट और अ डॉग, हैव यू गॉट अ कैट और अ डॉग. यस आई हैव, नो आई हैवंट, यानी कि यस आई हैव गॉट अ कैट, नो आई हैवंट गॉट अ डॉग. योर हाउस अ गार्डन, तो इसका कैसे क्वेश्चन बनेगा, हैज योर हाउस गॉट अ गार्डन. यस इट हैज, यानी कि यस माई हाउस हैज गॉट अ गार्डन. नो इट हैजंट, यानी कि नो माई हाउस हैजंट गॉट अ गार्डन. फोर्थ, हाउ मेनी कजिन्स यू, यानी कि हाउ मेनी कजिन्स हैव यू गॉट. आई हैव गॉट 12 कजिन्स. तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी पूछा है, तो इसका आंसर अपने येस या नो में नहीं दे सकते, राइट. तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आई हैव गॉट इतने कजिन्स है वही आएगा. फिफ्थ वन, योर इंग्लिश टीचर अ कार, हैज योर इंग्लिश टीचर गॉट अ कार. यस शी हैज, यानी कि यस माई इंग्लिश टीचर हैज गॉट अ कार. नो शी हैजंट, यानी कि नो माई इंग्लिश टीचर हैजंट गॉट अ कार. सिक्स्थ वन, यू एनी ब्रदर और सिस्टर्स,
हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? यस आई हैव, यानी कि यस आई हैव गॉट बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. नो आई हैवंट, यानी कि नो आई हैवंट गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर. तो इस तरह आप लिखोगे. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फोर्थ वन. पुट इन हैव गॉट, हैज गॉट, हैवंट गॉट और हैजंट गॉट. तो इनमें से जो भी फिट बैठता हो नीचे ब्लैंक्स में वो आपको लिखना है. टॉम हैजंट गॉट अ कार, ही गोज एवरीवेयर ऑन अ बाइक. ही लव्स डॉग, ही हैज गॉट थ्री पैट डॉग्स. मनु इजंट हैप्पी, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दे कांट बाय अ कार, दे हैवंट गॉट मच मनी. वी वॉन्ट टू सी द मूवी बट वी हैवंट गॉट टिकेट्स. इट इज अ नाइस हाउस बट इट हैजंट गॉट अ गार्डन. ओके, इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है. अब नेक्स्ट क्या है. कम्प्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द प्रॉपर फॉर्म ऑफ हैव गॉट प्लस वन ऑफ दिस. तो आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए सेंटेंस कम्प्लीट करने हैं. कैसे, तो हैव गॉट लिखना है और इस बॉक्स में से आपको जो भी वर्ड्स फिट बैठते हो वो लिखने हैं. मोस्ट कार्स हैव गॉट आ गया. फोर व्हील्स का है ये रही. वी मस्ट हरी, वी हैवंट गॉट मच टाइम. मिस्टर रॉय इज अ रिच मैन, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी. आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव गॉट अ हेडेक. ही कांट ओपन द डोर, ही हैजंट गॉट द की. आई हैव गॉट अ मोटर बाइक बट आई हैवंट गॉट अ कार. इस तरह करना है. ओके, नेक्स्ट. We can't use have got in place of have in the following cases. यानी कि नीचे जो cases दिए हैं उसमें अपने have की जगह have got नहीं लिख सकते. जैसे कि have का मतलब होता है eat or drink, take, enjoy or experience. ये part जिस जहाँ पे मतलब होता है have का, वहाँ पे अपने have की जगह have got नहीं लिख सकते. जैसे कि हैव ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अ मील, अ सैंडविच, अ पिज्जा, अ कप ऑफ कॉफी, अ ग्लास ऑफ मिल्क, समथिंग टू ईट और ड्रिंक. हैव में अ बाथ, अ शावर, अ रेस्ट, अ हॉलीडे, अ पार्टी, अ नाइस टाइम, अ गुड जर्नी, अ वॉक, अ स्विम, अ गेम, अ ड्रीम एंड एक्सीडेंट. तो यहाँ पे अपने हैव गॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हैव लिखेंगे. पहला, वी हैव टिफिन्स इन अवर बैग. तो यहाँ पे हैव का मतलब क्या है, हैव गॉट ही है कि हमारे बैग में टिफिन है. तो पर अपने गॉट लिखा नहीं लिखा, क्या लिखा, सिर्फ हैव लिखा है. वी हैव लंच ड्यूरिंग द रिसेस. तो यहाँ पे भी हैव का मतलब हैव गॉट नहीं होता है, पर फिर भी हैव लिखा. ही हैज अ न्यू कार. तो इसके पास न्यू कार है तो भी गॉट नहीं लिखा. ही हैज अ राइड इन इट एवरी मॉर्निंग. यहाँ पे हैज का मतलब हैज गॉट नहीं होगा. अब एक्सरसाइज क्या है. कम्प्लीट इट सेंटेंस विथ हैव या हैड प्लस एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट. तो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को आपको कम्प्लीट करना है. कैसे करोगे, हैव या हैड लिखना है और उसके बाद ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसको लिखना है. आई वॉज थर्स्टी सो आई हैड अ ग्लास ऑफ वॉटर. आई ऑलवेज हैव अ शावर बिफोर डिनर. आई एम फीलिंग हंग्री, शैल वी हैव समथिंग टू ईट. वी एंजॉयड अवर हॉलीडे एंड हैड अ नाइस टाइम टूगेदर. I like to get up early and have a walk in the park. Tina is a very good driver. She never had an accident. We had a party last Sunday. We invited 50 people. I had a quick look at the newspaper before I left for my office. इस तरह आपको करनी है. ओके, तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया. ओके, तब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, क्या क्या रूल्स है वो याद करने हैं और फिर एक्सरसाइजेस को आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है. ओके, वंदे मातरम.